जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। वेरी नाइस। महाराज देश की धरती से प्यार, आपने जो मान सम्मान दिया ये कभी नहीं हम भूलेंगे। आपका प्यार, उनका हर्षण, ये हमेशा के लिए याद रहेगा। आपने हमारा जन्मदिन ऐसा जबरदस्त मनाया, कभी नहीं भूल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करते और अभिनंदन करते सबको जोरदार। तो आपको ये कितना सारा साइंस एक्सपेरिमेंटल है, सब कुछ बेस्ड, आप आसानी से साइंस सीख सकते हैं। इसमें सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके 10 स्टैंडर्ड तक कंप्लीटली साइंस का प्रैक्टिकल है। और ये हर घर बाल कला योजना आज यहाँ ओपन हो रही है, ये खुशी मुझे सबसे ज्यादा है। तो सभी संगठन की ओर से आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद। तो आओ सबको साथ मिलके हम काम करें, हम देश का नाम रोशन करें, हम भारत देश का नाम रोशन करें। देवानांचम ऋषिनांचम गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम तिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति। हे देवो ना गुरु, हे विश्व ना गुरु, सभी का कल्याण हो, पृथ्वी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, महाराष्ट्र का कल्याण हो, दीप स्कूल के सभी स्टूडेंट का भी कल्याण हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, ये आपको लगेगा कि ये सर का दिन कितने साल का होगा, ये मेरा 66 इयर्स का जन्मदिन है। डबल सिक्स, ये आज से डबल सिक्स स्टार्ट हो रहा है, 65 तक पूरा कर दिया। आप सब लोगों का ऊर्जा ऐसे मिलती रहती है तो पता ही नहीं चलता कैसे 65 साल चला गया। ये आज 66 ईयर स्टार्ट हो रहा है, लगता है आपको ऐसा नहीं? ये यही दुआ है आपकी, यही दुआ है आपकी। तो ये जो है ना, ये मकान, ये जो होल है, ये एक चमक है, चितारा है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल पंक्ति बनाया है, आप है तो ये रौनक है, आप है तो ये होल की रौनक है, नहीं तो एक होल सुना मकान है। आप है ये होल की रौनक है, नहीं तो एक सुना मकान है। आ सके तो आइए, ये भी एक मकान है। तो आप सबका प्रेम सब मैंने इसमें घर में डाल दिया है, रख दिया है। जहां जाएंगे वहां बोलेंगे कि ये दीप स्कूल का प्रेम भाव है। देखो ये दीप स्कूल है महाराष्ट्र। तो ऐसा जन्मदिन आपने मनाया, बच्चों के हाथ से भी लेंगे हम बाद में, अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बताएंगे। और मुझे एक कहने से गर्व होता है कि एक सबसे पहले अमृत भारत महाराष्ट्र गणित महोत्सव ये 6 मंथ तक चलेगा। आज 19 जुलाई यहाँ लिखा है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 22 दिसंबर तक चलेगा। ये महोत्सव 6 मंथ तक चलेगा, कहाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में 36 डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो 36 डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और गणित महोत्सव मनाएंगे। आप जैसे बच्चों के साथ पूरा दिन गणित के लिए करेंगे। तो इसका स्टार्टिंग शुरुआत यहां से हो रहा है, तो जोरदार इसको बधाई दे देते हैं।
महाराष्ट्र का, पूरा महाराष्ट्र का जो 6 महीने चलने वाला है वो आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गणित महोत्सव दीप स्कूल से स्टार्ट हो रहा है। ये गर्व की बात है आपके लिए, मेरे लिए और महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए। तो ये महोत्सव के लिए जोरदार हम क्लैपिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं वो जो वीडियो बना रही थी, कहाँ गए वो? ये पहले जो खड़ी थी, हाँ, इसको सम्मान करना चाहते हैं इसको, क्योंकि ये लगातार बहुत अच्छा इसने वीडियो बनाया। सर भी बनाते हैं कितना मेहनत किया। और मैं देख रहा था ये हंसती रहती थी, ऐसा नहीं कि बोर हो जाती थी, खुशी व्यक्त करती थी। आज मुझे मौका मिला है ये काम करने का, तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किया इसने, लगातार खड़ी रही, आप सब बेटर है, तो जोरदार तालियां से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल है यहाँ, लेकिन एक दो एक्सपेरिमेंटल आपको करके दिखाते हैं कि क्या है मैजिक, क्या है साइंस, है ये साइंस क्या है, इसके पीछे बेस क्या है। जबरदस्त साइंस के किट है यहाँ, ये जो किट है ना ये आपको हम दे रहे हैं, और दूसरी एक किट मैथ्स लैब ऑन व्हील, इसका भी लॉन्चिंग यहाँ से करेंगे, और 75 स्कूल में देंगे वो सबसे पहले यहाँ करेंगे। ये इसका लॉन्चिंग है। और ये ईट में टोटली मैथमेटिक्स की प्रयोगशाला है। ये आप बोलेंगे कि हिंदी में जब इसको ओपन करेंगे ने तो इसमें कितना अच्छा एक्सपेरिमेंटल ऐसे ही मिलेगा, तो आप करेंगे, लेकिन अभी तो आपको बता रहे थोड़ी देर में इसका लॉन्चिंग करेंगे। एक गणित महोत्सव के अंतर्गत सबसे पहली स्कूल होगी जिसका लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर की तरफ से दिल्ली में लॉन्चिंग हुआ था, सबसे पहले दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया, और आज महाराष्ट्र के डीप स्कूल में इसका इनोग्रेशन होगा। धन्यवाद। शांत बसाल तेव्हा तुम्हाला सगळं समजेल आणि ऐकायला पण बोलू नका ना बेटा, सगळ्यांनी फक्त नीट बघा सर, माझा वर्ग ये देखो, ये कौन है? ये परेश रावल है। परेश रावल को आपने देखा है फिल्म में? ये डुप्लीकेट परेश रावल है। चलो अभी आपको एक्सपेरिमेंटल साइंस का बताएंगे, आपको बोलेंगे कि क्या है ये, जादू है ये, साइंस है। इसके हाथ में ये है, यहाँ आप एक गिर जाता है ना, ऐसे नहीं देखो, ऐसे रखो, पकड़ो ऐसे ऐसे आराम से, हाथ थोड़ा सीधा करो, हाथ सीधा करो, चलो ये नहीं रहते,
अगर वेट करेंगे तो भी गिर जाएगा ने, गिर जाएगा ने, लेकिन ये दीप स्कूल का हीरो है। प्रैक्टिकल करेंगे तो साइंस में क्या है, देखो पकड़ो बेटा, हम इसमें इतना बहुत सारा हेवी वजन लटका देते हैं, यहाँ वजन इतना हेवी, और आपको ऐसे करना है, गिर जाएगा नहीं, गिर जाएगा बेटा, ले आराम से, एक एक उंगली, एक उंगली, देखो बोलो रुक जा, रुक जा, ऐसा नहीं, ऐसे बोलो रुक जा तो रुक जाएगा, ये गिरेगा, हाथ ऊंचा करो, गिरेगा, गिरेगा, सर के हाथ में रहते हैं, सर लड़की आ जाए, ले ले लड़की आ जा बेटा, आपका वो फोटो आ जाएगा, एक ही ऐसे ही रखो, नहीं गिरेगा, ये है साइंस, कैसे होगा ये संभव, ये तो इतना ही, ये तो गिर जाता है, वेट लगेगा, कोई कितना सिंपल प्रयोग है, ऐसे ऐसे फोबी है, गिर जाएगा और वेट आएगा तो जल्दी गिर जाएगा है? लेकिन ये ऐसे ही नहीं गया, कैसे, क्या है साइंस, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल है, ये तो छोटा सा प्रैक्टिकल है, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये करने में भी आपको मजा आएगा, कि क्या ये जादू है, ये साइंस है, इस साइंस का मीनिंग क्या है, मैं इसके पीछे लो बता देता हूं, ये बेल्ट क्यों ऐसे हैवी बेल्ट था, गिरा नहीं क्यों, जब गुरुत्व केंद्र आता है, है? मास ऑफ ग्रेविटी पता है ना, गुरुत्व मध्य बिंदु, हमारा गुरुत्व मध्य बिंदु कहाँ है, हमारे बीच में, अगर थोड़ा ऐसे करेंगे तो गिर जाएंगे, थोड़ा ज्यादा ऐसे करेंगे तो गिर जाएंगे, पीछे भी ऐसा ही रहेगा, तो हमारा जो ग्रेविटी है मास का, हमारा बॉडी का जो ग्रेविटी मास सेंटर, वो सेंटर यहां से निकलता है, तो कहीं जाता है तो वो सेंटर हमारे साथ चलता है, अगर इसको थोड़ा ऐसा ऐसा किया तो हम गिर जाते, ऐसे ही है, देखो ये पे दो पैर है, ये तो तेरे, और इसके यहां मास ग्रेविटी आ जाता है, आप जैसे चल सकते हैं ऐसे दो पैर है, तो इसका मास ग्रेविटी यहां आ जाता है, देखो ये ऐसे गिर गया, ये मास ग्रेविटी यहां आ गया तो ये नहीं गिरेगा, ये क्यों नहीं गिरा, इसका जो सेंटर पॉइंट मास का यहां आ गया, समझ गए, अदरवाइज ये तो इतना सिंपल था, गिर जाता है, लेकिन नहीं गिरते, यही साइंस है, हम चल सकते हैं ऐसे ही, दो पैर है, ये दो पैर है, ये हमारी बॉडी है, ये मास सेंटर यहां से निकलता है, तो हमारा करेंगे ज्यादा तो गिर जाएंगे पीछे भी, लेकिन ऐसे चलेंगे तो सेंटर में ही रहेगा, कहीं भी जाओ नहीं गिरेंगे, महाराष्ट्र जाओ, गुजरात जाओ, या कोई भी देश में जाओ, ये नहीं गिरेगा, तो ऐसा छोटा, देखो कितना छोटा है, ऐसे ही रखो, किसको बोलो ये गिर जाएगा, ऐसे घर जाके बताना कि देखो ये क्या है, आपको मैजिक लगेगा ने, ऐसे ही लगाने, मैजिक लगाने है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, साइंस है, साइंस का एक्सपेरिमेंटल है, तो ऐसे बहुत सारे साइंस का एक्सपेरिमेंटल यहां रखा है, सभी साइंस का एक्सपेरिमेंटल है, वो आपको करना है, यहां दिखाना है, बताना है, और एक
मैथमेटिक्स का एक्सपेरिमेंटल करते हैं। चलो लेडीज को छह आगे की छह लेडीज आ जाओ। एक ऐसे कार्ड है यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये गणित का, ये मैंने साइंस का बताया, अभी गणित का एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। तू आंसर दे, तू ऐसे तू नहीं पढ़ेगी, तू हीरो है, यहाँ आ जा। यस, आप ऐसे ऊंचा करो थोड़ा, हाँ थोड़ा और भी ऊंचा करो जितना, हाँ बस। देखो ये क्या है, कार्ड में नंबर लिखा, बेटा इधर आ जा। एक कार्ड में नंबर लिखा है, अभी क्या करते हैं, इसकी आयु क्या है बेटा मुझे बताना नहीं, हाँ इसका एक फिगर होगा आपकी आयु का, वो किस कार्ड में है वो आपको बताना है। जो कार्ड पहले से कार्ड में नंबर देख लो सब है तो यस, नहीं है तो नो, ऐसे बोलना। जाओ पहले से आराम से जाके देखो आपके आयु का फिगर, पहले जाओ नजदीक जाओ, इसमें कार्ड में है कि नहीं, पहले कार्ड में है, पहले पहला कार्ड देखो है नहीं है, ठीक है चलो दूसरा कार्ड देखो है, दूसरे में देखो आपका नंबर नहीं है, तीसरे में देखो है। 16 आपने लिया था, 16 आपकी आयु 16 वर्ष है। कैसे पता चला कभी, ये तो मैजिक हो गया है? चलो ओ आप आ जाओ, आपकी आयु सिलेक्ट कर लो, आ जाओ इधर से। आपकी आयु का वर्ष होगा कार्ड में है कि नहीं देखो, ध्यान से देखो, पहले कार्ड में है इसमें नहीं है, दूसरे में है ना, यस के नो, यस, तीसरे में नहीं है ना। तो आपने 14 लिया था, यस, तो ये 14 साल की है, 14 इयर्स की उसने सिलेक्ट किया था ये, तो कैसे पता चल जाता है, ये मैजिक कैसे बन जाता है, हमको तो ऐसे ही बोलते हैं यस, तो कुछ नहीं है, इसका राज आपको बता देते हैं, राज तो बताना पड़ेगा ना आज, बहुत सारी कंट्री में हम नहीं बताते हैं। जब हम कैम्ब्रिज गए थे, मौका मिला था कैम्ब्रिज जाने का, बहुत सारा 11 दिन रुके थे, लेकिन राज बोला कि इंडिया आके आपको राज मिलेगा, भारत का राज भारत में ही रहता है। ऐसे रखो, इसमें कुछ नहीं है, आइडिया क्या है वो मैं बता देता हूं। जो यस बोलेगा कि एक कार्ड में है, पहले क्या नाम है बेटा तेरा, अरे प्रियंका का पहले बताया था कि मेरा एक ही कार्ड में है, तो इसका कोने में क्या लिखा है, तो आंसर 60 होगा, कुछ नहीं करना है, कोने में क्या है। और आपने कितना आइए, आप आइए, आप आइए बेटा, इसने बोला था कि इस कार में है, ऊपर कीजिए थोड़ा, हाँ इसमें है, तो दो, पहला दो नंबर, बाद में बोला कि यहां है, यहां बोला था ना, तो ये 4 नंबर, 2 4 6, और बाद में बोला कि इसमें भी है, तो इसका पहला क्या है 8, कितना हुआ 14, तो 14 ही होगा आंसर। तो ये मैजिक, गणित भी सीख सकते हैं आराम से, मैजिक भी कर सकते हैं। ये कार्ड आपके पास है, इसका फोटो लेना और कॉपी करके घिरे बता देना, सबको बताओ कि देखो ये होता है, है? तो ये गणित है, ये साइंस है, कितना सरल लगता है लेकिन जबरदस्त है। तो ये सब, धन्यवाद आप सबका, आप सबको भी ऐसा कार्ड मिल जाएगा।
थैंक यू वेरी मच. गणित का वर्कशॉप भी हो जाएगा, साइंस का एक्सपेरिमेंटल तो है, इसमें बहुत सारा है ऐसा. आर्किमिडीज लो, आर्किमिडीज लो आप टोटली इसमें सीख सकते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट सब कुछ है. तो अगर आपको आर्किमिडीज का लो सीखना है तो इसमें बेसिक से सब इंस्ट्रूमेंट इसमें आ जाएगा, आराम से आप सीख. बहुत सारा अलग अलग है, आपको जो सीखना है वो फिल्म प्रोजेक्ट बनाना है तो ये बनाया है, अंदर मटेरियल है सब, आप फिल्म प्रोजेक्ट बनाएंगे इससे, और पिक्चर भी आपको वो होल में दिखेगा. टेक्नोलॉजी ने ये ओपन किया था और महाराष्ट्र गणित महोत्सव की सबसे पहली स्कूल, और इसमें आपको ये दे रहे हैं, ऐसी 75 किट देंगे, 75 स्कूल में देंगे ऐसी किट. और ये किट राउंड अबाउट 1000 के आसपास से तैयार होती है, इससे ज्यादा 1200 रुपया के आसपास कंप्लीट होता है लेमिनेशन. तो आज मेरा जन्मदिन है और 11000 की किट आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि 11 किट हम गवर्नमेंट स्कूल में देंगे मेरी जन्मदिन की ओर से. 11 किट 11 स्कूल में देंगे और बाकी हम स्पॉन्सर करेंगे. तो आज हम डिक्लेयर करते हैं 11 की. अभी हमारा जो अमृत भारत रामानुजन अमृत भारत गणित यात्रा, हम आए थे यहाँ दिवाली पे, तो ये यात्रा हमारी इंडिया बुक रिकॉर्ड हुआ, एशिया बुक रिकॉर्ड और गिनीज बुक. एक सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया है इंडिया बुक का. तो ये भटकर सर और आचार्य जी कहाँ गए, प्रिंसिपल सर, हाँ तो और सबसे पहले हम सर कोऑर्डिनेटर थे, तो ये मेडल पहना के हम सम्मान करेंगे. जो ओरिजिनल मेडल रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास में नोट कर दिया कि डीप स्कूल में हम गए थे और यात्रा निकाली थी 75 स्कूल. ये इंडिया बुक रिकॉर्ड का मेडल है, गोल्ड मेडल. इंडिया में प्रथम बार ये यात्रा निकली, इसका ये इंडिया बुक रिकॉर्ड बोलते हैं, इसको गोल्ड मेडल है. वो ऐसे ही अभी पहनाएंगे, फोटो लेंगे. इस स्कूल का सहयोग रहा है इसमें तो, और बाद में ऐसा मेडल हम नेशनल लेवल में सम्मान करेंगे राष्ट्रीय कक्षा एक प्रतापगढ़ में. तो अभी हम पहले कोऑर्डिनेटर को देते हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हर घर बाल कलाम का नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील वानखेड़े सर को एक इंडिया बुक रिकॉर्ड समर्पित किया जा रहा है. प्रिंसिपल दीप स्कूल, अब भक्त सबके भी सम्मान देना है वर्ल्ड रिकॉर्ड का. ऐसा एशिया बुक रिकॉर्ड हुआ है, एशिया में हम प्रति बार गिनीज बुक रिकॉर्ड हुआ है. वो दो सर्टिफिकेट दिल्ली है, अभी हमारे पास आएगा, लेकिन ये आ गया इंडिया बुक का. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा जो काम किया था, ये दुनिया में सबसे पहले हम है, दुनिया में सबसे पहले.
और इसमें हमारे भक्ता सर भी है, तो आइए भक्ता सर को इंडिया बुक रेकॉर्ड का सम्मान। वेळात वेळ काढून आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या वाढदिवसाला आपल्याकडे आले हा भारतातला सर्वात मोठा सन्मान मला वाटतो आपल्या शाळेसाठी। तर सरांचे मी खूप खूप आभार मानतो। सर हमारे बच्चों को बहुत सी ऐसी शंकाएं रहती है, वो हमें पूछते हैं मैथमेटिक्स के पीरियड को, सर 2+2=4, 2×2 also = 4, then why not about other digits, other numbers? Very nice, इसका आंसर मिलेगा। बहुत सारा ऐसा डिजिट है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसी क्यूरियोसिटी उनके तरफ है सर, हम हमेशा सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ कुछ शंकाएं हमें भी रहती है, तो आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यस, वो नेक्स्ट टाइम, अभी टाइम थोड़ा कम है, तो बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं गलतियां तो होती रहती है, जैसे एडिसन ने किया, लेकिन इसको भी किया फाइनली। गलतियां होती रहती है, सबसे होती है गलतियां, लेकिन गलत किसी के साथ मत कीजिए, ये रूल है जिंदगी का। तर आपल्याकडे आदरणीय चंद्रमौली सर आले आणि त्यांनी आपल्या छान छान असं थोडक्यात पण अतिशय सुंदर असं प्रात्यक्षिक दाखवले आणि खूप सारे प्रात्यक्षिक अजून आहेत, ते आपले मॅथमॅटिकचे सायन्सचे शिक्षक आणि विशेष म्हणजे भाषा विषयाचे शिक्षक सुद्धा याच्यात इंटरेस्टेड आहेत, आणि त्यांना नक्कीच आज गोडी लागली असेल गणित आणि विज्ञानाची, ते सुद्धा तुम्हाला हे दाखवतील। त्यांच्या परीने एक एक एक्सपेरिमेंट आपण करणार आहोत, प्रयोगशाळेत याचं प्रदर्शन ठेवणार आहोत। तसेच आपल्याकडे दुसरे सायंटिस्ट रवींद्र भास्कर सर, डॉक्टरेट सर रवींद्र भास्कर सर आपल्याकडे आले आणि त्यांनी पण वेळात वेळ काढून आपल्या शाळेला भेट दिली आणि सहकार्याची भूमिका नेहमीच त्यांची राहणार आहे। त्यांनी आमच्याशी इतगुज केलं, त्यावरून दिसतं की विद्यार्थ्यांबद्दल त्यांनाही तळमळ किती आहे, त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो। तसेच आपले डायरेक्टर मिलिंददादा काचरे, त्यांचा अमूल्य वेळ खर्च करून आपल्यात सहभागी झाले, त्यांचे आभार मानतो। आपले प्राचार्य चौधरी सर, तसंच माझे मित्र वानखेडे सर नेहमीच आपल्या शाळेत हजर असतात, महिन्यातून एक दिवस ते आले नाही असं होत नाही, तर नेहमी तुमच्या समोर असणारे वानखेडे सर हे आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून नेहमी लागतात। मागे छान छान असे प्रयोग त्यांनी स्वतः इथे केले होते स्टेजवर, तुम्हाला आठवत असेलच, आणि आपण अजून अपेक्षा करतो सर आम्ही की भविष्यात सुद्धा ही परंपरा आपण चालू ठेवणार आहोत, जसं जसं शो लागत चालेल तसे तसे तुम्ही सगळे एक्सपेरिमेंट इकडे घेऊन येत चला आणि आम्ही नक्कीच भरभरून दाद देऊ, तहान भूक हरपून आमचे विद्यार्थी ते बघत राहतील ही ग्वाही मी देतो। त्यांचे पण मी आभार मानतो। भटकर सर, नंतर अँकरिंग करणाऱ्या निलिमा मॅडम, सुंदर भाषण करणाऱ्या शिंदे मॅडम, माझा सहकारी वर्ग, साऱ्या साऱ्यांचे आभार मानतो। आणि हा कार्यक्रम एक संपला नाही, स्वल्पविरामात आपण थांबूया आणि पूर्णविराम नंतर होईल तेव्हा होईल,
परंतु ही परंपरा कायम ठेवावी और चंद्रमौली जोशी सर जी को मैं एक विनती करता हूँ कि सर ये सेकंड राउंड है अपना, आपके ऐसे 100 राउंड हुए तो हमारे बच्चे तो इंडिया के बाहर सातों समुद्र पार, तो आपसे विनती करता हूँ।